मैं सेल्फिश बाप नहीं बनना चाहता बेटा। मैं अपनी बेटियों की शादी उनकी खुशी से, उनकी मर्जी से करना चाहता। पढ़ाई तो तुम बाद में भी कंप्लीट कर सकती हो और इंशाल्लाह करोगी। अबू, आप मेरे लिए जो फैसला लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। मैं आपके फैसले से कभी इनकार नहीं करूंगी। मुझे यकीन है। चलो अंदर चलते हैं। हमारा शहजाद सालिया बड़ी को हसीन है और पहली नजर में तेरा दिल आ गया उस पे। मगर ये क्या बगैर जेहेज की आ गई या सिर्फ अपनी मां लाई है जेहेज में? नहीं, मैंने सालिया को समझा, उसे पसंद किया और जेहेज की मैंने आरजू ही नहीं की। हाँ, उसे देखा, उसे पसंद किया और जेहेज में भूल गया ना। ये कौन सी अकलमंदी वैसे, बताओ मुझे। अम्मी, आपको क्या मालूम किन हालात में मेरी शादी हुई है? आप फिर उनका भी सोचें कि मुझ पे भरोसा किया, ना कोई इन्वेस्टिगेशन करवाई, ना कोई अता पता, पहली नजर में हाँ कर दी। हाँ, वो तेरी सांस देखी है मैंने, हसीना है आलम, बड़ी गहरी निगाह है उसकी, पहली नजर में जान गई होगी कि लड़का हीरा है हीरा। और तूने क्या देखा, सिर्फ हुजन का जलवा। और ऐसे जलवे आम मिलते गलियों बाजारों में। मुझे लगता है तेरी सास के पास ना कुछ भी नहीं है सिवाय फैशन और हुसन के। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं, अपना घर बेच के आई है बेचारी, सामान समेत। घर बेच के आई है, कितने का बिका? अच्छा, हाँ सब महंगा बिका। फिर ठीक है, आइए 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 समझ जी। ये देखें, ये कमरा मैंने खाली किया, बहुत रोशन और हवादार कमरा है, पसंद आया आपको? ये कैसा कमरा है, ना बेड है ना अलमारी, सालिया कैसे रहेगी इसमें? ये इसलिए खाली करवाया है कि अपनी पसंद से खुद ही सेट कर लेगी जहेज के सामान को, और फिर जहेज का सामान भी तो आता ही होगा ना। क्या मतलब आता होगा? मतलब वो अपनी पसंद से इस कमरे को देखते हुए खुद ही अपने जहेज का सामान इसके मुताबिक जो है वो ले लेगी। सामान तो मैं खरीद दूंगी, लेकिन ये जिम्मेदारी शहजाद की है। तो ठीक है ना, आप कैश ले दीजिएगा शहजाद को, वो और सालिया जाकर अपनी मर्जी से जहेज का सामान ले आएंगे। देखिए, अब वो जमाने तो रहे नहीं कि बेटी की पैदाइश से ही माया ना जहेज जोड़ना शुरू कर देती थी। इधर शादी की तारीख तय हो गई और उधर माओ ने ट्रंक खोला और जीस तैयार। मैंने ये काम नहीं किया, मुझे आउट ऑफ फैशन चीजें रखना पसंद नहीं है।